मिशन होप पहलकदमी तहत पिछले हफ्ते बचाईया गई 7 लड़कियों तो बाद इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्ते अज 8 होर लड़कियां वतन वापस पहुंचिया ते आपो अपने परिवारों नूं मिलियां ने। सानी ने कहा है कि इन लड़कियों नूं बेईमान एजेंटा ते खौती रुजगार सलाहकारां वल्लों रुजगार के झूठे बहाने ओमान ले जाण दा झांसा दे के फसाया गया सी। पंजाब दे मूल निवासियों वजों पछाणियां गई 34 लड़कियों विचों 15 नूं पिछले 2 हफ्तों में भारतीय दूतावास ते ओमान सरकार के तालमेल नाल उन्हां दे परिवारों तक पहुँचाया गया। पंजाब तो संसद मैंबर अते विश्व पंजाबी संस्था के अंतरराष्ट्रीय प्रधान विक्रमजीत सिंह सानी ने कहा कि ओमान में फसिया पंजाबी कुड़ियों का मुद्दा उन्होंने ध्यान में आया से, जिस तों बाद उन्होंने संसद दफ्तर की एक टीम ने मस्कट का दौरा किया अते विश्व पंजाबी संस्था ओमान के अहुदेदारों नाल मुलाकात की। सानी मुताबिक उन्होंने टीम ने अनुचित समझौतों को खत्म कर जुर्माने माफ कर फसिया लड़कियों की टिकट का खर्चा चुकने तो बाद इन लड़कियों की घर वापसी को यकीनी बनाने लिए स्पॉन्सरों नाल व्यापक गलबात की। सानी ने दसा कि इन लड़कियों नौकरियों की वचनबद्धता के नाल दिल्ली के विश्व पद्धरी हुनर केंद्र और अमृतसर के मल्टी स्पैशलिटी स्किल डिवेलपमेंट सेंटर में मुफ्त हुनर सिखलाई की पेशकश की गई है। सानी ने कहा कि पुलिस अधिकारियों वालों इस शामिल एजेंटा विरुद्ध सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया गया है, जल्द ही लोड़ी कार्रवाई की जाएगी।